हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी की आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही शानदार वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे कि बीसीए है क्या। तो आपको बता दें कि बीसीए एक प्रोफेशनल कोर्स है, जिसे करने के बाद आप लाइफ में एक आईटी सेक्टर में बेहतरीन करियर बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि बीसीए क्या होता है और किसे कौन कराता है, बीसीए कोर्स में कितना टाइम लगता है, बीसीए कोर्स की फीस कितनी है और बीसीए कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या इसे आर्ट वाले स्टूडेंट भी कर सकते हैं, बीसीए कोर्स करने के बाद कितनी सैलरी लगती है। तो आपको इन्हीं सभी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में आपको देंगे। बीसीए कोर्स को आप बड़ी आसानी से किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट या कॉलेज से कर सकते हैं, और अगर आपके ट्वेल्थ में अच्छे मार्क्स है तो आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में बीसीए कर सकते हैं। और अगर बात करें बीसीए कोर्स के टाइम पीरियड की, तो बीसीए कोर्स 3 साल का होता है। बीसीए कोर्स आप 3 साल में कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें आपके पास 6 सेमेस्टर होते हैं, जिनमें पहले सेमेस्टर में आपके पास सी लैंग्वेज, बेसिक बिजनेस कम्युनिकेशन, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, मैथमेटिकल फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस, और दूसरे सेमेस्टर में आपके पास 4 सब्जेक्ट होते हैं, डाटा स्ट्रक्चर एंड फाइल ऑर्गेनाइजेशन, प्रोग्रामिंग इन C++ और सिस्टम एनालाइज एंड डिजाइन और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और तीसरे सेमेस्टर में भी आपके पास 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिनमें पहला सब्जेक्ट कंप्यूटर बेस्ड न्यूमेरिकल और दूसरा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तीसरा थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, चौथा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड पर्सनल मैनेजमेंट। और आपके पास चौथे सेमेस्टर में भी 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिनमें आपको पहला ऑपरेटिंग सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन UNIX और तीसरा विजुअल बेस प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क, और 5 सेमेस्टर में आपके पास कंप्यूटर ग्राफिक, वेब प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, नेट टेक्नोलॉजी, और 6 सेमेस्टर में आपके पास केवल 2 सब्जेक्ट होते हैं, जिनमें नेट फार्मवर्क, नेटवर्क सिक्योरिटी, और साथ ही हर सेमेस्टर के साथ साथ आप प्रैक्टिकल या सेमिनार होते रहेंगे। तो बात करते हैं बीसीए कोर्स के फीस के बारे में। बीसीए कोर्स की फीस 30 से 1.2 लाख होती है। ये डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, क्योंकि हर एक कॉलेज की फीस अपने हिसाब से अलग अलग होती है। तो अब बात आती है कि बीसीए कोर्स को कौन लोग कर सकते हैं। बीसीए कोर्स करने के लिए आपको 12th पास होना जरूरी है, तभी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। और चाहे 12th आपने किसी भी सब्जेक्ट से की हो, चाहे आप आर्ट के स्टूडेंट हो या आप PCM के स्टूडेंट, आप बीसीए कोर्स बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि बीसीए कोर्स करने के बाद कितनी सैलरी तक की जॉब मिल सकती है। तो आपको बता दें, बीसीए कोर्स करने के बाद अगर आप अपने कॉलेज या इंस्टीट्यूट से प्लेसमेंट होते हैं, तो आपकी एनुअल इनकम 1.3 लाख से 3 लाख तक की हो सकती है, जिसमें आपकी मंथली इनकम 30,000 तक की हो सकती है। लेकिन बीसीए कोर्स का एवरेज सैलरी 20,000 से 25,000 तक पर मंथ होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे इस YouTube चैनल पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।